अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी शहजादियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि समर सीज़न के लिए किस तरह के कलर्स और प्रिंट चूज़ करने चाहिए जिन लोगों को इशू है कि उनके कपड़ों पर पसीने के निशान वाजे नज़र आते हैं और कई दफ़ा उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, स्पेशली उन ख़वातीन को जो ऑफ़िस में जाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं या फिर वो घर से बाहर उनको निकल के कोई भी काम करना पड़ता है, तो उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके जो ड्रेस है उसके ऊपर पसीने के निशान नज़र आ रहे होते हैं। मोस्टली समर सीज़न में ऐसे होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग होने के बाद जब पसीना ड्राई हो जाता है तो वो सफ़ेद कलर का निशान बनकर आपके ड्रेस पर नज़र आता है, तो इससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस तरह के कलर और प्रिंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगी कि आप समर सीज़न में अगर इस तरह के कलर्स और प्रिंट अपने लिए चूज़ करेंगे, चाहे वो कैजुअल ड्रेसेस आप डिज़ाइन करवाना चाहती हैं, चाहे ईद के लिए ड्रेसेस डिज़ाइन करवाना चाहती हैं या फिर शादी ब्याह के लिए आप लग्जरी ड्रेसेस डिज़ाइन करवाना चाहती हैं, तो उनके कलर और प्रिंट के आइडियाज़ अगर आपको होंगे या फिर आपके साथ ये स्पेशली इशू है कि आपके कपड़ों पर निशान नज़र आते हैं तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। अगर आप अपने लिए लाइट कलर के ड्रेसेस चूज़ करेंगी, लाइट कलर पर पसीने के निशान कम से कम नज़र आते हैं क्योंकि पसीना ड्राई होने के बाद वाइट शक्ल में सामने आता है, वाइट निशान की शक्ल में सामने आता है। तो अगर आपका ड्रेस लाइट कलर का होगा, जो कि जैसे कि ड्रेसेस इस वीडियो में ऐड किए गए हैं, जो कलर इस वीडियो में ऐड किए गए हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी निशान वाजे नज़र नहीं आएंगे। जितना आपका ड्रेस डार्क कलर का होगा, यानी कि जेट ब्लैक कलर हो गया, मैरून कलर हो गया, डार्क रेड हो गया, कुछ इस तरह के कलर्स हैं जिनके ऊपर वाइट निशान वाजे नज़र आते हैं, तो इस तरह के कलर्स आपने समर सीज़न में अवॉइड करने हैं ताकि आपको किसी भी जगह शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इसके अलावा बात करते हैं स्वेटिंग के साथ साथ स्मेल की, तो आपको समर सीज़न में डेली शावर लेना चाहिए, 2 से 3 दफ़ा भी आप शावर ले सकती हैं जब जुलाई या अगस्त का महीना होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हवा में भी बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी शावर ले सकती हैं। स्पेशली जो बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिस जाती हैं या घर से बाहर किसी भी कामकाज के सिलसिले में निकलती हैं, तो उनको स्वेटिंग के निशान का भी इशू होता है और बैड स्मेल का भी इशू होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप समर सीज़न में डिटोल वाटर यूज़ किया करें, उससे बॉडी से बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है। और इसके अलावा अगर आप महंगे ड्यूटेंट नहीं, स्प्रे वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, तो आप टेलकम पाउडर कोई भी अपने घर में रख सकते हैं, ब्लैक कैट भी रख सकते हैं, तिब्बत टेलकम पाउडर की स्मेल बहुत ही अच्छी है, तो उसको आप हल्का सा अपने अंडर आर्म के नीचे जहाँ से ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पे लगा के अपना ड्रेस वेयर कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आपकी बॉडी से आती रहेगी और स्वेटिंग भी कम होगी। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से कलर्स और प्रिंट ऐड किए गए हैं, आप प्लेन ड्रेसेस के बजाय प्रिंटेड ड्रेसेस गर्मियों में अपने लिए डिज़ाइन करवाएं।